गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू बीबीएन ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 11 में एरर्स पढ़ रहे थे। एरर्स में अपन ने एब्सोल्यूट एरर पढ़ा और मीन एब्सोल्यूट एरर को पढ़ा। एब्सोल्यूट एरर में जो ट्रू वैल्यू आती है उसको अपन कैसे लिखते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट आता है, जितने भी मेजरमेंट आते हैं उसका सब, उसका जो मीन आता है उसी को अपन क्या लेते हैं, ट्रू वैल्यू। ठीक है, उसके बाद में अपन ने एब्सोल्यूट एरर को पढ़ा। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस आता है उसको अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। फिर अपन ने पढ़ा मीन एब्सोल्यूट एरर कि जितनी भी एब्सोल्यूट एरर है उसकी पॉजिटिव वैल्यू का जो मीन आएगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब अपन पढ़ते हैं रिलेटिव एरर्स। रिलेटिव एरर क्या होता है, द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर, जो अपना सेकेंड एरर था मीन एब्सोल्यूट एरर, टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। मतलब कि मीन एब्सोल्यूट एरर का रेशियो किसके साथ, ट्रू वैल्यू के साथ। मीन एब्सोल्यूट एरर का रेशियो ट्रू वैल्यू के साथ, ये कौन सी एरर हो गई, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये कौन सी होगी, मीन एब्सोल्यूट एरर। पता है आपको मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, कि जितनी भी एब्सोल्यूट एरर की पॉजिटिव वैल्यू का जो मीन उसी को अपन बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। और इसका डिवाइड करना अपने को किसके साथ, ट्रू वैल्यू के साथ। किसके साथ, ट्रू वैल्यू के साथ, है ना। ट्रू वैल्यू आपको पता है कैसे निकालनी है, जो भी मेजर्ड क्वांटिटी है, जो भी मेजरमेंट है, उन सारों का मीन ही क्या होता है, ट्रू वैल्यू होती है। उन सारों का मीन ही क्या होता है, ट्रू वैल्यू होती है। तो क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द रेशियो ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी, इसी को अपन क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर कहते हैं। इसका जो सिंबल है वो है डेल ए। ठीक है, ये है अपनी रिलेटिव एरर। नेक्स्ट है अपना परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर का जो परसेंटेज है उसी को अपन परसेंटेज एरर बोलते हैं। द रिलेटिव एरर एक्सप्रेस इन परसेंटेज इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर को परसेंटेज में अपने को लिखना है उसी को अपन क्या बोलते हैं, परसेंटेज एरर बोलते हैं। तो रिलेटिव एरर को परसेंटेज में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, रिलेटिव एरर को किससे मल्टीपल कर दो, 100 से। जो एरर आएगी वो कौन सी एरर होगी, परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला पता ही रहा, इसको 100 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अपन जो एरर पढ़ रहे हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अपना न्यूमेरिकल है एरर्स पे। इन एन एक्सपेरिमेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वाज ऑब्जर्व टू बी 1.45, 1.56, 1.54, 1.44, 1.54 and 1.53। कैलकुलेट मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन सब की मीन वैल्यू, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू। मतलब अपने को ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फिर है मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करनी है। फिर है फ्रैक्शनल एरर, जिसको अपन रिलेटिव एरर भी बोलते हैं। जो रिलेटिव एरर है वही है फ्रैक्शनल एरर। और लास्ट में परसेंटेज एरर, ये चार वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो पहले अपन कैलकुलेट करते हैं मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को दे रखे हैं, इनकी मीन वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए मीन वैल्यू, मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको मैं म्यू बार से लिखूंगा, वो क्या आ जाएगा, इन सब को ऐड करके कितने नंबर का डिवाइड करना है, कितनी डिजिट है उनका डिवाइड करना है। मीन कैसे निकालते हैं, 1.45 प्लस, सब डिजिट को ऐड करना है आपको, 1.56 प्लस 1.54 प्लस 1.54 प्लस 1.53 और उतने का ही डिवाइड देना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 का डिवाइड दोगे तो जो आंसर आएगा मीन वैल्यू
वो आएगी 1.51। आप सबको ऐड करके 6 का डिवाइड करोगे तो जो मीन वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1.51। सेकेंड अपन कैलकुलेट करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करने से पहले अपने को एब्सोल्यूट एरर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मीन एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन क्या थी कि एब्सोल्यूट एरर की पॉजिटिव वैल्यू का जो मीन आता है उसी को तो अपन बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इससे पहले अपने को एब्सोल्यूट एरर निकालनी पड़ेगी, तो एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर बेटा ये जो ये आया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन सब का जो मीन आया है इसको अपन ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं। आना जो 1.51 है ये क्या है, ट्रू वैल्यू है, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, तो ट्रू वैल्यू में से जो अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, इनको माइनस करना है। तो अपन पहले फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं A1, वो क्या आ जाएगा अपना ट्रू वैल्यू कितनी है 1.51, इसमें से माइनस करना है क्या 1.45। तो जो आएगा माइनस करने पे कितना आंसर आएगा 0.06। नेक्स्ट A2 1.51 में से माइनस करने हैं 1.56, तो क्या आएगा 0.05। नेक्स्ट A3 1.51 में से माइनस करने हैं 1.54, तो कितना आंसर आएगा माइनस 0.03। फिर A4 1.51 में से माइनस करने हैं 1.44, तो कितना आएगा आंसर 0.07। फिर A5 1.51 में से माइनस करना है 1.54 माइनस 0.03, लास्ट 1.51 में से माइनस करना है 1.53, कितना आएगा माइनस 0.02, कितना आएगा माइनस 0.02। तो इन सब का जो एवरेज आएगा, ये जो वैल्यू है इन सब का जो एवरेज आएगा उसी को अपन बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। लेकिन जो एवरेज जो माइनस आ रहा है इसको अपने को पॉजिटिव लेना है उसके अंदर, ठीक है। तो अब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर तो मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको अपन किससे लिखते हैं डेल ए बार से, क्या होता है A1, A2, A3, A4, इसको ए बार लिख लेते हैं A1 बार A2 बार A3 बार A4 बार A5 बार A6 बार, ठीक है। तो सबका जो जितनी भी जो अपनी एब्सोल्यूट एरर आई है इन सबको ऐड करके उतने ही का डिवाइड देना है अपने को, तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी, ठीक है। A5 A6 डिवाइड 6, तो डेल ए बार इसकी वैल्यू कितनी है 0.0, साथ में मोड भी लगाने इसमें, तो इसकी वैल्यू कितनी है 0.06 प्लस 0.05 पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, क्योंकि जो मोड होता है वो क्या कर देता है माइनस को क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा, तो 0.05 प्लस 0.03 प्लस 0.07 प्लस 0.03 प्लस 0.02 डिवाइड कितने से करना है 6 से। तो आप इस सब को ऐड करके 6 से डिवाइड दोगे तो जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 0.0433, ठीक है। अब देखो ये जो आप इसको डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो इसके अंदर जो ये
कि जो सिग्निफिकेंट में इसको लिखना है तो सिग्निफिकेंट में कैसे लिखेंगे, देखो इसमें से सबसे कम सिग्निफिकेंट कितने हैं, तीन है, है ना, तीन डिजिट आ रही है सब में, तो इसको भी कितने, फाइनल रिजल्ट को भी अपने को कितने में लिखना है, तीन रिजल्ट में लिखना है, तीन डिजिट में लिखना है, ठीक है। तो तीन डिजिट में इसको लिखेंगे तो कितना आएगा, 0.04, कितना आएगा 0.04, ठीक है, क्योंकि अपने को जो रिजल्ट लिखना है वो सिग्निफिकेंट में लिखना है। सिग्निफिकेंट में लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए, अपन जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो इन डिजिट में सबसे कम सिग्निफिकेंट किस में आ रहे हैं, इन सभी में तीन तीन आ रहे हैं, तो अब जो रिजल्ट आएगा उसको भी कितने सिग्निफिकेंट में लिखना है, तीन तीन डिजिट के सिग्निफिकेंट में लिखना है, ठीक है, तीन सिग्निफिकेंट में इसको अपन ने लिख दिया 0.04। नेक्स्ट अपना फ्रैक्शनल एरर, तो फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालते हैं, जिसको अपन रिलेटिव एरर भी कहते हैं, है ना, तो मीन एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड करना है किससे, ट्रू वैल्यू से, तो अपनी क्या आ जाएगी, फ्रैक्शनल एरर आ जाएगी। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड करना है किससे, ट्रू वैल्यू से, तो मीन एब्सोल्यूट एरर को, जो थर्ड है अपना फ्रैक्शनल एरर, उसमें कैसे निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर को किससे डिवाइड करना है, ट्रू वैल्यू से, ये अपनी मीन एब्सोल्यूट एरर है, इसको किससे डिवाइड करना है, ट्रू वैल्यू से, ट्रू वैल्यू कितनी है, म्यू बार, ठीक है, तो अपनी क्या आ जाएगी, फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर, तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी है, 0.04, इसको डिवाइड किया किससे, ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू कितनी है, 1.51, तो जो अपनी फ्रैक्शनल एरर आएगी वो कितनी आएगी, लगभग 0.02649, ठीक है। इसको अपन सिग्निफिकेंट में लिखेंगे तो कितनी डिजिट तक लिखेंगे, थ्री डिजिट तक लिखेंगे, तो कितना आएगा, 0.02, ये सिक्स यहां तक लिखना है अपने को इसको, थ्री डिजिट तक, तो ये सिक्स राउंड ऑफ होके कितना हो जाएगा, ये थ्री, जो ये अपनी ड्रॉप डिजिट है ये सिक्स है, ये फाइव से बड़ा है, तो इसको क्या कर देगा, इसमें एक एड हो जाएगा ना टू में, तो कितना आ जाएगा, 0.03, ये अपनी आ गई फ्रैक्शनल एरर। लास्ट है परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, तो परसेंटेज एरर है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, कि फ्रैक्शनल एरर को कितने से मल्टीपल करना है, जो फ्रैक्शनल एरर है ये उसको कितने से मल्टीपल करना है, 100 से, तो फ्रैक्शनल एरर कितनी है, 0.03, इसको कितने से मल्टीपल करना है, 100 से, तो कितना आ जाएगा, 3%, कितना आ जाएगा, 3%। तो ये अपनी जितनी भी एरर है, चार टाइप की एरर है, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर जिसको रिलेटिव एरर भी कहते हैं, और लास्ट में है परसेंटेज एरर, इस पर अपन ने एक न्यूमेरिकल सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्लास में